हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को शिकायत थी सर, आप ओनली ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाइए। जो हमारे डाउट्स होते हैं, हम दोबारा देख करके वीडियोस उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आ गया। ऑफलाइन तो मैंने करीब 10 साल मुझे पढ़ाते हो गया। मैंने कहा चलो अब कुछ नया ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, तो आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम मैं बेसिक लेकर के चलूँगा कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, या रेशियो बोलते हैं इन्हें। ठीक है, ये आपके फिक्स होते हैं। पहला आपका है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टैन थीटा, चौथा है आपका कॉट थीटा, पांचवा है आपका सेक थीटा, और छठा है आपका कोसेक थीटा। थीटा क्या है? थीटा आपका एंगल है। क्या है? वेयर थीटा क्या है? एंगल है। एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, डेल्टा, डेल, कुछ भी हो सकती, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इनकी मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा ये देखना आप लोग। मैं एक राइट एंगल बना रहा हूँ, ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये एंगल एंगल आपका थीटा है। सबसे बड़ी वाली साइड जो ए सी है, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। एस से डिनोट कर दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। सबसे बड़ी होती है ये। बी सी लेंथ को हम बेस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। और जो ए बी आपकी लेंथ है, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो देखिएगा कैसे मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालने की ट्रिक है बेटा। साइन थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस यानी साइन की ऊपर से नीचे आएंगे। ये मैंने एरो का साइन बना दिया, तो परपेंडिकुलर अपोन का हाइपोटेनियस। कॉस की चाहिए हमें, तो बेस अपोन का हाइपोटेनियस, बेस अपोन का हाइपोटेनियस। टैन की चाहिए हमें, टैन की देख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपोन का बेस,
कॉट की चाहिए इसका रिवर्स कर दीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर। ये आपकी कॉट की वैल्यू होगी, ये आपकी सेक की वैल्यू होगी, और ये कोसेक की वैल्यू होगी। ऐसे ही याद कर सकते हैं आप, ठीक है। इसे मैं वाइट कर देता हूँ। तो कॉट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, बी अपोन का पी, चाहे यहाँ से कर लीजिए बी अपोन का पी। जो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस अपोन का बेस हो गया आपका, और जो कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपोन का परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, वेरी गुड, नोट करिए इतना। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले की बात करूंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है। तो बेसिक फार्मूला देखते हैं हम लोग। बेसिक फार्मूला, ठीक है, बेसिक फार्मूला देखिएगा। पहला फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका वन होता है। दूसरा फार्मूला इसी फार्मूले से मैं बनाऊंगा सारे फार्मूले। साइन को मैंने यहीं पे रहने दिया, देख रहे हैं ना आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दिया। कॉस को उस साइड ले जाऊंगा तो वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तीसरा फार्मूला देखना कैसे बनाऊंगा मैं, साइन से स्क्वायर हटा लूंगा मैं, तो आप लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लगता है, रूट लगता है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो अंडर रूट वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब मैं साइन को साइड ले जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये आपका मेन फार्मूला था, इसी फार्मूले की हेल्प से मैंने चार फार्मूले जनरेट कर दिए। सिमिलरली आपका मेन फार्मूला देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका वन होता है। क्लियर है? टैन को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब टैन को उधर ले गया मैं, वन को इधर लाऊंगा मैं, तो सेक स्क्वायर थीटा वन इधर आएगा, प्लस का है तो इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और टैन माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है?
स्क्वायर हटाऊंगा टेन से मैं अगर, तो आपका बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन हो जाएगा। क्लियर है? इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। रफ कर दूं, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, जो भी सीरियल नंबर रहा होगा आप डाल लीजिएगा, ठीक है। मैं स्टार लगाए देता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखिए आप, कॉट को उधर ले जाइए तो वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे। चलो नंबर मैं डाल देता हूँ, स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉट को उधर ले जाइए, वन को इधर ले आइए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन इक्वल टू कॉट उधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट से स्क्वायर हटाएंगे आप कॉट थीटा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कुछ आइडेंटिटी है उन्हें देख लेते हैं। आपका जो साइन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन का कोसेक थीटा, या आप कहिए कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन का साइन थीटा, या बोल सकते हैं आप क्या और बोल सकते हैं, कॉस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन थीटा इनटू का कोसेक थीटा इक्वल टू आपका वन हो जाएगा। क्लियर है? सातवां फार्मूला देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन का सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन का कॉस थीटा, या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस थीटा इनटू का सेक थीटा इक्वल टू आपका वन हो जाएगा। आठवां देखिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन का कॉट थीटा, या बोलिए कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन का टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टेन थीटा इनटू का कॉट थीटा इक्वल टू वन कहिए। नवा फार्मूला देखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है
साइन थीटा अपोन का कॉस थीटा। दसा फार्मूला दसवां देखिए, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपोन का साइन थीटा। एक आइडेंटिटी और बता देता हूँ, साइन थीटा अपोन का कॉस थीटा इंटू का कॉस थीटा अपोन का साइन थीटा इक्वल टू वन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ कर दूं। चलो इसके बाद मैं टेबल आपको सिखाऊंगा। फिर क्वाड्रेंट आपको सिखाऊंगा। इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, आपको ना कोई फार्मूला रटना है और ना कोई टेबल रटनी है, आपको मैं जनरेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अपने मन से जीरो लिख लीजिए, वन लिख लीजिए, टू लिख लीजिए, थ्री लिख लीजिए, फोर लिख लीजिए। फोर से एंड हुआ तो फोर से सब में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया। अपने मन से ही सब में क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए। इतना काम आपको खुद करना है जो आपको याद रखना है, क्लियर है। इसे आप जीरो डिग्री बोलिए, इसे 30 डिग्री बोलिए, इसे 45 डिग्री बोलिए, इसे 60 डिग्री बोलिए, इसे आप 90 डिग्री बोलिए, क्लियर है। लाइन खींच रहा हूं मैं। एक लाइन और खींच लीजिए। यहाँ आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपके कितने होते हैं, पहला जो है आपका साइन थीटा है। साइन थीटा की हमें वैल्यू चाहिए जीरो डिग्री में, सॉरी एक लाइन यहां और खींच लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहां पे लिख लीजिए, ज्यादा सूट करेगा आपको। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा यानी साइन जीरो डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए, तो जीरो में चार का डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। साइन मुझे 30 डिग्री में वैल्यू चाहिए, तो वन का रूट वन होता है, चार का रूट आपका दो होता है, ये मैंने लिख दिया। साइन 45 की वैल्यू चाहिए, तो देखो कैसे निकालूंगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आपका कट जाएगा, कितना आ गया 1/2, 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट नहीं निकलता, इसलिए इसे मैं रूट के अंदर रखूंगा, क्लियर है।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तीन का रूट नहीं होता है, रूट थ्री लिखिए, चार का रूट आपका दो होता है, ये लिख लीजिए, चार चार से कैंसिल हो गया, एक बार एक का रूट एक होता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। एक लाइन अब मैं फिर से खींचूंगा। अब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। इसे रिवर्स करके लिख दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ पे ले आइए, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, और ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत है, टू अच्छे से बना दूँ? नहीं, आप लोग दिमाग ख़राब करोगे। ठीक है, चलो अब हम, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि टैन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन की कॉस थीटा होती है। तो साइन जीरो की वैल्यू हमें पता है कितना है, जीरो है, और कॉस जीरो की वैल्यू वन है, तो साइन अपॉन कॉस टैन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो जीरो अपॉन का वन, तो टैन जीरो डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। क्लियर है? किसी भी, अगर जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, हमेशा जीरो आता है। क्लियर है? टैन थीटा ये लिख दिया, तो जीरो में वन का डिवाइड किया, जीरो आया। वन बाई टू में रूट थ्री बाई टू का डिवाइड किया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, वन अपॉन का रूट थ्री आया। दिख रहा है आप लोगों को? रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट, वन आ गया, टू से टू कैंसिल आउट, रूट थ्री आ गया आपका। वन में जीरो का डिवाइड अगर करते हैं तो नॉट डिफाइंड, जिसे इन्फिनिटी या इनफाइनाइट भी बोलते हैं। क्लियर है? जिसे अपरिभाषित कहा जाता है, जिसे अनंत कहा जा सकता है। क्लियर है? कैसे? वन में अगर जीरो का डिवाइड करोगे तो जीरो वन जा जीरो, वन आ गया, जीरो वन जा जीरो, फिर वन आ गया, वो जीरो वन जा जीरो, यानी ये चलता ही रहेगा प्रोसेस, ये ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इसे बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। क्लियर है? क्यों कहा जाता है नॉट डिफाइंड? रीजन ये है। इसके बाद आपका आता है कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा आता है, कॉट, फिर से इसे रिवर्स करके लिख दीजिए। अब इसका नंबर आ जाएगा, अब इसका नंबर आ जाएगा, अब इसका नंबर आ जाएगा, और फिर इसका नंबर आ जाएगा। क्लियर है? पांचवा आपका आता है सेक, सेक थीटा। मैंने आपको बता रखा है कि सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी कॉस का मैं रिसिप्रोकल कर दूं। क्या कर दूं? रिसिप्रोकल। तो वन का रिसिप्रोकल वन ही होता है, इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टू अपॉन का रूट थ्री हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वन का वन ही रहेगा, क्या वन का वन, टू अपॉन रूट थ्री, ये इसका रूट टू हो जाएगा, सॉरी इसका आपका टू हो जाएगा। और वन अपॉन जीरो यानी रिसिप्रोकल अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अभी मैंने आपको बताया है नॉट डिफाइंड। क्लियर है?
छठा रेशियो देखिए कोसेक, क्या देखिए कोसेक थीटा। फिर से आप रिवर्स करके लिख दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तैयार है, देख लीजिए, कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। रफ कर दूं, चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेंट की। 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके, जिसे हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं चतुर्थांश। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, इसे वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ये आपका 0° से बैरी करता है 90° तक, और ये 90 से कहाँ तक करता है 180 तक, और ये 180 से 270 तक, और 270 से 360 तक। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है? दी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज पॉजिटिव वैल्यू, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ऑल एस टी सी, ये आपकी ट्रिक है। ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, ऑल मतलब पहला क्वाड्रेंट, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एस का मतलब साइन, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और बाकी सब क्या होगी, निगेटिव होगी। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू होगी वो आपकी निगेटिव होगी। क्लियर है? टी का मतलब टैन, ये आपका पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। क्लियर है? निगेटिव होंगे, जो रिमेन बचेंगे वो निगेटिव। सी का मतलब कॉस,
कॉस आपका पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। क्लियर है? बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। कुछ लोग इसे एट शुगर टू कॉफ़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग आगरा के सारे टीचर चोर भी बोलते हैं, ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर भी बोलते हैं, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी भी बोलते हैं। जो तुम्हें अच्छा लगे वो आप रख लीजिए। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। रब कर दूं? चलिए, यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ जिससे मैं लिख सकूँ। आगे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी के अंदर है, आगे नहीं गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस का थीटा, तो काय में चेंज होगा? कॉस में। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी भूल गया, मैं बता रहा हूं। 90 डिग्री और 270 में, 90 डिग्री और 270 में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? चेंज होता है। साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। क्लियर है? साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है, और आपका सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। क्लियर है? 90 और 270 में ही हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो साइन गए में चेंज हो गया, कॉस में। क्या बताया? 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? चेंज होता है। लिखे देता हूँ, हमेशा साइन गए में चेंज होगा कॉस में, और कॉस काहे में चेंज होगा? साइन में। क्लियर है? टैन हमेशा चेंज होगा कोट में, और कोट हमेशा चेंज होगा टैन में। क्लियर है? सेक चेंज होगा हमेशा कोसेक में, और कोसेक हमेशा चेंज होगा सेक में। किसकी बात की गई है? 90 डिग्री और 270 में डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, अदरवाइज नहीं चेंज होता। क्लियर है? अब कॉस की बात करता हूँ। साइन कैसा होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज होगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ही साइन होगा। कॉस का में चेंज होगा आपका साइन में। टैन का में चेंज होगा 90 माइनस का थीटा कॉट में चेंज होगा, और कॉट चेंज होगा हमेशा टैन में। क्लियर है? सेक चेंज होगा आपका 90 माइनस का थीटा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा आपका सेक में। क्लियर है? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात रही।
स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी इतने ही स्पेस में काम चलाना पड़ेगा, अभी इसका काम ही से नहीं मिटा सकता। नब्बे प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया। कहाँ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। क्लियर है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज होगा, बताया है 90 और 270 में रेशियो चेंज होता है। साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कोट में कोट टैन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। क्लियर है? अब देखना साइन का, देखना साइन पॉजिटिव होता है। कहाँ पॉजिटिव होता है? आपका इस साइड से साइन देखेंगे, साइन यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। इधर से साइन नहीं देखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कॉस 90 माइनस का थीटा साइन में चेंज होता है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव का साइन आएगा। क्लियर है? टेन 90 माइनस थीटा कोट में चेंज हुआ, टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? निगेटिव है, निगेटिव का साइन आएगा। कोट 90 माइनस का थीटा टेन में चेंज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा है? निगेटिव है, निगेटिव का साइन आएगा। सेक 90 माइनस का थीटा कोसेक, सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस है, माइनस का साइन। कोसेक 90 माइनस का थीटा कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है? कैसा होगा बताइए जल्दी। माइनस का होगा। माइनस का होगा कि प्लस का होगा? प्लस का होगा। क्या होगा? मतलब साइन साइन का रिसिप्रोकल दो पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? नोट करिए इतना। रफ कर दूं? चलिए, अब मैं किस में आता हूं? 90 हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। अब मैं 70 में जाता हूं। किस में जाता हूँ? 270 माइनस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए
किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? नाइन्टी और 270 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, दोबारा बता रहा हूँ। तो साइन 270 माइनस का थीटा कॉस में चेंज होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? टेन। साइन तो नहीं है, माइनस कर दिया। साइन के बाद कॉस ले लीजिए, कॉस 270 माइनस का थीटा साइन में चेंज होगा, कॉस माइनस है, माइनस लगाएंगे। टेन 270 माइनस का थीटा कॉट में चेंज होगा, और टेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव, तो प्लस का साइन लगाएं। क्लियर है? अब तीन तो आपके रिसिप्रोकल हैं, तो आप कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए 270 प्लस का थीटा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चले गए, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, हम किस पे चले गए? फोर्थ क्वाड्रेंट पे चले गए। देखना, तो साइन 270 प्लस का थीटा कॉस में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा? कॉस में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस साइन क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। इस साइड से देख के साइन नहीं लगाएंगे, इस साइड से साइन क्या है? नेगेटिव है। कॉस की बात अगर करते हैं, कॉस 270 प्लस का थीटा साइन में चेंज होता है, तो साइन आपका कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। टैन का देख लीजिए, टैन 270 प्लस का थीटा कॉट में चेंज होगा, तो टैन क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव आएगा। नोट करिए, अब 180 माइनस का थीटा की बात करते हैं। वन एटी माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 और 360 पे रेशियो चेंज नहीं होता है। 180 डिग्री और 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो साइन 180 माइनस का थीटा साइन थीटा में ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का साइन आएगा। कॉस 180 माइनस का थीटा कॉस में ही चेंज होगा, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। क्लियर है? टेन 180 माइनस थीटा टेन में ही चेंज रहेगा, माइनस आएगा। वन एटी प्लस का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, 180 प्लस थीटा
थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो साइन 180 प्लस का थीटा चेंज नहीं होगा 180 पे, तो साइन ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। कॉस 180 प्लस का थीटा है, कॉस में ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगाएंगे। क्लियर है? टेन 180 प्लस का थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? तीन तो आप बना ही लोगे, अब तो इतना आइडिया लग गया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। रफ कर दूं? थ्री सिक्सटी माइनस का थीटा कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन 360 माइनस का थीटा साइन में ही रहेगा। क्या बताया था? 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, साइन कैसा होगा? साइन नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन आएगा। कॉस की बात करते हैं, 360 माइनस का थीटा कॉस में ही चेंज होगा। साइन कैसा आएगा? कॉस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन आएगा। टेन 360 माइनस का थीटा टेन नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसके बाद आता है आपका 360 प्लस का थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। देखिए 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। देखते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज पॉजिटिव वैल्यू, तो साइन 360 प्लस का थीटा साइन में रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। कॉस 360 प्लस का थीटा कॉस में ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टेन 360 प्लस का थीटा टेन में ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ सेक 360 प्लस का थीटा सेक में ही रहेगा, कॉसेक 360 प्लस का थीटा कॉसेक में ही रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? एक दो तीन चार पाँच, कॉट रह गया। क्या रह गया? कॉट। कॉट को यहाँ लिखे देता हूँ मैं। कॉट 360 प्लस का थीटा कॉट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? नोट करो। तो ये रहा क्वाड्रेंट आपके ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स में फोर क्वाड्रेंट होते हैं, हिंदी वाले इसे चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है,
फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वर्जन अभी हमने देखा। अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना भूल गया मैं, आप लोगों को बता देता हूँ। साइन 2 पाई प्लस का अगर थीटा है कितना, मान लो कॉस 4 पाई होता प्लस का थीटा होता टैन 6 पाई प्लस का थीटा होता, तो ये हमेशा साइन थीटा के बराबर ही होगा। चेंज इसलिए नहीं होगा, मैं बता देता हूँ इसका क्या लॉजिक है। अभी मैंने क्वाड्रेंट देखा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, है ना। 2 पाई का मतलब कितना होता है 360, प्लस का थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो 2 पाई का मतलब एक पूरा चक्कर प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 4 पाई का मतलब ये हो गया दो बार घूम गया, कितने राउंड, दो राउंड घूम गया, ठीक है, क्लियर है, तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 6 पाई का मतलब 3 चक्कर बेटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। चाहे आपका 100 पाई क्यों ना हो, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी और पॉजिटिव आएगी, क्लियर है। 50 पाई का मतलब, सॉरी 100 पाई का मतलब 50 चक्कर, क्लियर है, नोट करिए। एंगल इज रिमेन सेम, ठीक है, नोट डाले देता हूं। स्क्रीन शॉट ले लिए, नोट डालिए बेटा। इफ थीटा एंगल, एंगल इज वेरी 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 स्मॉल, क्या, तो साइन थीटा टेंस टू थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा टेंस टू जीरो के बराबर होता है और टैन टेंस टू हमेशा वन के बराबर होता है, क्लियर है।
एक चीज और बता दूं, दिस रिलेशन इज वैलिड वैलिड 30 डिग्री, कहाँ तक? 30 डिग्री तक ये रिलेशन वैलिड है। अब कहोगे कि सर कैसे, देखना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई टू होती है, यही होती है औसत। तो साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ये रिलेशन कहां तक वैलिड होता है, 30 डिग्री तक। तो साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, इतना नोट करिए आप लोग, 30 पाई रेडियन में चेंज कर लिया इसे 180, तो जीरो जीरो कट गया, तो पाई पाई कितना आ गया, 6 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142 अपॉन का 6, डिवाइड करके देखिए एप्रोक्स आएगा आपका 1/2। क्लियर है, ये प्रूव्ड। सिमिलरली इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।